सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपके पेट्स एंड एनिमल बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। तो इस वीडियो में पता लग गया होगा आपको थंबनेल लेके क्या करने वाले हैं। ये मेरे कबूतरों, अफसोस काड़े का जोड़ा इस बार भी लग पाया। तो काड़े का जोड़ा इस बार भी लग पाया, वो अभी भी सिंगल बंद हो रहा है दरबे में, 2-3 दिन तक बंद हो रहा है वो। ना कबूतर ही लगता। एक बार क्या हुआ कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले होता है कि वो इसका एक साइड का पंख नहीं था, वो अब पंख, मैं कह रहा हूँ 2-3 महीने बीत गए उसके पंख ना आए। पता नहीं कबूतर वाला भाई कह रहा था 2-4 दिन में पंख आ जाएंगे, 4 महीने हो गए उसके पंख नहीं आए थे। उस एक दिन क्या हुआ कि वो गैलरी होती ना, गैलरी गैलरी पे बैठे रहते थे कबूतर, तो गैलरी पे वो बैठ तो पाता नहीं था उड़ के। तो एक दिन दूसरे कबूतर को देख के ऐसे उड़ा बैठने के लिए, और बैठ पाया नहीं वहां से। सीधा थर्ड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर से सीधा ऐसे गिरा ऐसे, उसका एक पंख तो था ही, तो यूं यूं एक एक हाथ से उड़ रहा है ऐसे ऐसे मैं ऊपर से देख रहा हूँ, ऐसे ऐसे उड़ रहा है वो, यूं एक 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 हाथ से उड़ नहीं पा रहा, तो एक हाथ से घूम रहा उड़ रहा, तो ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम 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 के सीधा गिरा बाइक की टंकी पे। विक्रांत बाइक की टंकी पे, टंकी वाले बट, फिर वो ऐसे टक्कर खा के इस साइड गिर गया छज्जे के नीचे। तुम ऊपर से कुछ दिखाई नहीं, मैं कह रहा अब तो गया काड़ा, काड़े का खेल खत्म। दिल पे हाथ रख के जल्दी जल्दी से उतरा, स्पीड में बहुत ही स्पीड में उतरा, और जाके नीचे गया देखा काड़ा न्यू मस्त। उधर नीचे दाने पड़े थे वो खा रहा था। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ काड़े की, कि हम कबूतर को जब भी डांट डालते थे ना, कबूतर डरते थे उधर भगते भगते थे, लेकिन सबसे पहले आता था काड़ा खाने। तो कबूतर ना, कबूतर को मैंने चावल देने स्टार्ट करे थे, पके चावल, सूखे सूखे चावल देने स्टार्ट करे, तो कबूतर खाते नहीं थे, लेकिन काड़ा खाता था भाई। जो भी बात है, 4-4 दाने ऐसे, मेरे को तो लगता था कबूतर ही है, कुछ और ही है, कबूतर ही है, कबूतर के भेष में कहीं कुछ कुछ और जानवर है। तो चावल चावल में मैं सब्जी मिला के देता ना, वो भी काड़ा ही खाता सबसे पहले। तो इतना भुक्कड़ता आपसी क्या बताऊँ, कि वो जब वो छत से गिरा तो उसे इतनी तेज बाइक पे आवाज आई पट, लेकिन उसको कुछ नहीं हो, वो तो नीचे जाके भी दाने चुग रहा था। थोड़े बहुत दाने पड़े रहते थे घर के, ऐसे थोड़े बहुत पड़े रहते हैं गेहूँ के, तो उसे चुग रहा है। नीचे जाके देख रहा हूँ, इधर मैं हार्ट अटैक आ रहा था कि मर ना जाए, ये वहां दाने चुग रहा है। फिर मुझे ऊपर लाया, काड़ा तो काड़ा ही है, फिर अभी भी काड़े का जोड़ने लगा है। तो जैसे कि आपने एक बात नोटिस करी होगी कि मेरे पे 5 कबूतर थे, और 5 से 6 वाला जो भी कबूतर आ रहा है, वो 6-6 वाला टिक ही नहीं रहा हमेशा, वो 5 के 5 ही कबूतर थे। फिर से गिनवा देता हूँ, बाबू कबूतरी सिद्धू मूसेवाला काड़ा परी, यही कबूतर थे। इसके ऊपर जो 6वां कबूतर आता ना, वो कभी टिक ही नहीं रहा। अब आता है 6वां कबूतर फिर से। तो कुछ दिनों बाद मैं अपने दोस्त के घर गया था, तो मेरे पे ना एक भी वाइट कबूतर नहीं था, फुल वाइट, वही कागजी वाला जो पहले भग चुका था एक और। तो इसमें ना कबूतर में क्या होता है कि जो वाइट कबूतर होते हैं ना, वो पता नहीं कभी टिकते नहीं जल्दी, बहुत कम टिकते हैं। जितना पहले से बहुत कबूतर हो ना, तो उनमें टिक जाते हैं वाइट कबूतर, पता नहीं अलग ही सबसे प्यारे कबूतर होते हैं वाइट, और वही नहीं सबसे कम टिकते हैं। तो क्या हुआ कि हमने दोस्त के घर, मैंने बोला मेरे को चाहिए वाइट कबूतर, कितने का? अभी मेरे को दे दे, मैं तेरे को बाद में पैसे दे दूंगा, अभी थोड़े से ले ले, थोड़े से बाद में दे दूंगा, लेकिन मेरे को चाहिए वाइट कबूतर। तो उसने मुझे एक कबूतरी निकाल के दी, वाइट कबूतरी, 350 की, मम्मी पापा उधर सो रहे हैं, कहीं सुन ले ले, 350 की कबूतरी ली मैंने वो। तो मैंने वो कबूतरी ली, उसको घर लाया। तो मैंने, रात तो हो चुकी थी, मतलब शाम का ही समय था, शाम को क्या करता मैंने उसके घर में आके पंख बांधे, नाजुक सी लग रही थी, नाजुक सी मतलब बहुत वाइट थी ना, इसलिए ऐसा लगता कि कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने बहुत आराम से पंख बांधे उसके, मैंने 4-4 ही पंख बांधे थे। तो बांधते ज़्यादा है, 9-10 पंख बांधते हैं कबूतर भाई, हो को पता होगा, लेकिन मैंने 4-4 बांधे, कहीं दर्द ना हो इसे ज़्यादा बांधूँ, इसलिए तो मैंने 4-4 पंख बांध दिए थे उसके। तो मैंने पंख बांधे, और मैं सुबह जब हुई, अगले दिन हुआ, तो फिर मैंने सबको बुला लिया अपने दोस्तों को कि चलो मैं वाइट कबूतर लेके आऊँ, तुम वाइट कबूतर दिखाऊंगा। तो वो सबको छत पे ले आया, वो हल्ला काट रहे, बहुत हल्ला काट रहे थे, वो इधर उधर शोर मचा रही है वो। मैं उनसे बोला शांत खड़े हो जाओ, शांत खड़े हो जाओ, नहीं तो कबूतरी डर जाएगी, डर जाएगी, वो मान ही नहीं रहे। फिर जो पुराने कबूतर थे वो 5 के 5, वो तो सब खोलते बाहर निकल गए थे, काड़ा तो ही अब सी, वो तो सबसे पहले निकल गया था। फिर
वो कबूतर निकल ही नहीं रही। मैं SPT बजा रहा, फिर भी निकल ली, और बजा रहा फिर भी निकल ली, फिर सीख माई फिर भी निकल ली। फिर मैंने अच्छे से ऐसे डंडी से निकाला, और उसने बस, मैं कह रहा हूँ, वो दरबे के अंदर से उड़ती भी निकली और उड़ती भी चली गई, सीधी सीधा चली गई। एक बार ऐसे गई, फिर एक बार इधर ऐसे गई, फिर नहीं दिखी। फिर 1 मिनट बाद फिर ऐसे गई, फिर ऐसे जाती हुई दिखी दूर तक। फिर हम ढूंढने गए उसे, वो भी मिली, वो गए 350 रुपये। वो तो ऐसे कर गई, पंछी बेनू उड़ती फिरू मस्त गगन में पार। वो भी तो अभी भी मेरे 5 कबूतरी बचे थे। तो अब आ गए थे मेरे सिद्धू मूसेवाले के पंख, तो सिद्धू मूसेवाले के पंख आ गए थे। मेरे को पता नहीं था कि इतने आगे क्यों उड़ने लग गया। तो ये बार क्या हुआ, मैं उसे सबको नॉर्मली खाना ही खिला रहा था, दाने वाने डाल रहा था, तो ना एक दूर छत पे ना एक कबूतरी आई, पता नहीं कहाँ से आई थी, किसी और की होगी। सिद्धू मूसेवाला पागल हो गया, वो वहीं अपने छोटे छोटे पंख में इतने दूर उड़ के चला गया कबूतरी के पास। फिर वो आई नहीं रहा वापस। पत्थर मारे, मेरे को ये डर भी लग रहा था, पहली बार उड़ा है, कहीं भग ना जाए, इसलिए मैं ज़्यादा वो भी नहीं कर रहा था। फिर जैसी वो कबूतरी गई, फिर वो वापस आ गया, और फिर वो डायरेक्ट तो आया नहीं, दो बार छत दूसरी दूसरी छत पे बैठ के आया। तो मेरे को बहुत खुशी हुई, ये भी टिक गया है कि कम से कम उधर जाके वापस आ गया। फिर अगले दिन मेरे में जो लुटरी थी, मैं कह रहा अब तो ये टिक गया, अब तो इसे एक बार फेंक के देखते हैं। तो एक बार फेंका, उसने एक राउंड लगाया, वापस आ गया। पहली बार किसी कबूतर ने मेरे छत पे राउंड लगाया था, मैं बहुत खुश हो गया, मैं कह रहा अब तो टिक गया, ये मजा सा आ गया। फिर टिक गया। फिर मैंने अगले दिन, क्योंकि बार बार फेंकना सही नहीं है, कबूतर परेशान हो जाता, फिर अगले दिन फिर थोड़ी तेज की फेंका। वो तेज की फेंकते ही सीधा वो पता नहीं फ्लाइंग जेट क्या बन गया था, वो सीधा उधर बिल्डिंग पे जाके बैठ गया, ऊपर छत के फुल टॉप की बिल्डिंग, वहाँ दिख भी नहीं रहा। तो ही कबूतर या तो थे वहाँ पे, फिर आई नहीं, आया ही नहीं। फिर पूरे दिन भी निकल गया, आई नहीं रहा, दिख भी नहीं रहा था कि है या नहीं है। फिर मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि वापस नहीं आएगा, शाम तक बैठे रहे, देखते रहे। फिर जैसे ही थोड़ा देर लग गई, यूँ आ रहा सीऊँ सीऊँ, इतनी स्पीड मारा ऐसे सीऊँ, फिर सीधा आ जाएगा, सीधा छत पर उतरा। वो उसकी पहली लंबी राइड थी हमारे छत से बिल्डिंग, इतनी दूर बिल्डिंग से आ रहा था सीऊँ, वो सीधा आके छत पे बैठा, कहीं नहीं बैठा। तो सिद्धू मूसेवाला ही है, वो बहुत दूर दूर उड़। फिर उसके अगले दिन से फिर वो रोज़ उड़ने लग गया, वो सिंगल ही बहुत देर देर तक, आधे आधे घंटे तक उड़ता था। मेरे को बहुत खुशी होती थी कि चलो कबूतर तो उड़ रहा है, कोई ना कोई सिद्धू मूसेवाला। जब भी उसका मैंने नाम सिद्धू मूसेवाला रखा था, वो आधे आधे घंटे तक दिखता ही नहीं था, और तो उतर गया कि दिखते थे कि उड़ रहे, हाँ उड़ रहे, वो दिखता ही नहीं था, वो लंबा लंबा जाता था, बहुत लंबा लंबा। तो वो पता, फिर मेरे को 2-3 दिन बाद पता लगा कि वो पटेल चौक तक जाता है, मैं रहता हूँ सरमा चौक पे, वो पटेल चौक तक जाता है उड़ते हुए। तो मेरे उसी दोस्त ने देख लिया था एक बार उसके एरिया में उड़ते हुए, तो वो आया मेरे घर पे, उसे लगा कि वो भग गया, इसलिए वहाँ से उड़ के वहाँ से जा रहा था। देख रहे हो उसको, उस बंदे को, उसने उड़ता हुआ कबूतर पहचान लिया कि हमारे घर का कबूतर है, इतने दिनों बाद भी उड़ता हुआ, इतनी ऊपर उड़ता हुआ। तो मेरे दोस्त को तो लगा कि वो कबूतर भग गया है। तो फिर वो अगले दिन मेरे घर पे आया, कह रहा कि वो कबूतर कहाँ है। मैंने बोला कौन सा कबूतर, मैंने बोला सिद्धू मूसेवाला, कह रहा हाँ वही जो भी है। कह रहा दिखा वो कबूतर तेरे पे है, मैंने बोला हाँ मेरे पे ही तो है, रोज उड़ाता मैं तो। फिर दिखा, कह रहा ये कबूतर तेरे को पता है कहाँ से उड़ता है, कहाँ कहाँ उड़ता है। मैंने बोला नहीं मेरे को क्या पता है, ये तो आधे आधे एक घंटे पार रहता है। कह रहा ये मेरे घर तक उड़ के आता है पटेल चौक तक। मैं कह रहा ओ भाई साहब, इतना कह रहा सिद्धू मूसेवाला। फिर वो कह रहा कि इसको ना देख देते हैं, ये ना वापस आ जाएगा। मैंने बोला मैं कुछ कह नहीं सकता था, क्योंकि वो मेरा कबूतर तो था ही नहीं, उसी का कबूतर था। तो मैंने बोल दिया ठीक है देख देते हैं। कह रहा कि इसको फेंक देते हैं, ये ना 2-3 दिन बाद वापस आ जाएगा उनके पास बग के, क्योंकि जिसको हम फेंकेंगे वो होगा ऐसी, उसको कबूतर पालने नहीं आते, उसको क्या पता पंख कैसे बांधते क्या। तो हमने फेंक दिया 50 रुपये में, क्योंकि हमें पता था अगर थोड़े ज़्यादा में देंगे तो वो लेगा नहीं, और 50 में तो कोई भी ले लेगा। तो हमने उसे 50 में दिए थे। तो उसने ना क्या, 1-2 दिन तक कबूतर नहीं खोले थे, तो मेरे को लग रहा था कि
कबूतर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि दो तीन दिन बाद कि नहीं आएगा, उनने पंख बांध लियो क्योंकि किसी ने बता दिया पंख बांध लो ये वो, तो वो आया नहीं दो तीन दिन तक। फिर जो दो से तीसरे दिन वो जो एरोप्लेन बन के सीधा जेट बन के सीधा छत पे उतरा, तो जब वो छत पे उतरा ना तो मैं था नहीं उस वक्त कहीं गया हूँगा जब कबूतर नहीं खोला कहते, तो मैं जब छत पे जाना दाना खिलाने जा रहा था दूसरे कबूतर को तो छत पे ही बैठा हुआ था अपने घर के ऊपर, उसको पता था यार इधर आए मेरा इतने दिनों बाद भी, तो सिद्धू मूसे आ रहा था, सिद्धू मूसे आ रहे फिर वो वापस आ गया था। फिर उसके बाद वो फिर उसको तो हम रोज ही उड़ाते थे। फिर कुछ हफ्तों बाद फिर मेरे पहले वाले जो स्टार्टिंग कबूतर लाया था बाबू और कबूतरी, फिर वो भी उड़ने लग गए थे। वो ऐसे थे एक उड़ता था तो उसी के पीछे दूसरा उड़ता था कि अगर एक ने एक राउंड लगाया तो दूसरा भी राउंड लगाएगा, अगर एक नहीं उड़ेगा तो नहीं उड़ेगा। और परी तो थी वो तो उड़ती नहीं थी, ऐसे उड़ती थी फिर वापस जा जाती थी, इसलिए उन दोनों को भी ज़बरदस्ती उड़ाना पड़ता था। वो तो ऐसे कबूतर थे दोनों कि एक दूसरे बिना उड़ते ही नहीं थे, तो उनको ज़बरदस्ती उड़ाना पड़ता था, लेकिन उड़ते नहीं थे, उड़ता तो सिद्धू मूसेवाले था। रोज मैं तो सिद्धू मूसेवाले को ही उड़ाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं तो बाहर था, मेरा भाई और मेरे दोस्त ही कबूतर को खाने खिला रहे थे, तो एक कबूतर आया होगा हमारे कबूतर को देख के बगल वाली छत पे। तो क्या हुआ कि मेरे भाई और उन्होंने कबूतर पकड़ लिया, वो पता नहीं कैसे पकड़ लिया, कौन से कबूतर वास के गुण आ गए तो उन्होंने कबूतर पकड़ लिए। फिर मैं घर पे आया, उन्होंने बताया हमने कबूतर पकड़ा है, मैं यार पागल है क्या, पागल होना आ रहा है। फिर उन्होंने दिखाया देखो वो कबूतर जीरा कबूतर था, वो मेरे को किसी और ने बताया था कि वीडियो देख के कि जीरा कबूतर है। तो उसके पंख हमने बांध दिए, फिर हमने उसके पंख दो तीन दिन बाद खोले, तो वो भी ऐसे उड़ता नहीं था। तो फिर पंख खोले फिर वो भी नहीं उड़ता था, तो कुछ दिनों बाद हमने ऐसे ही फेंक दिया उसे भी आसमान में, तो एक राउंड लगा फिर बैठ गया। फिर हमने फिर कर दिया, तो फिर वो उड़ गया, फिर नहीं आया वापस। फिर दो दिनों फिर वो वापस आ गया, फिर हमें लगा अरे ये तो वापस आ गया अपने आप ही, मतलब ये टिक चुका अब तो, जब दो दिन बाद कबूतर फिर वापस आ जाए उड़ के तो मतलब टिका ही है। फिर हमने दो तीन बार फिर से उड़ाया उसे, उसके बाद नहीं आया वो, पता नहीं कैसे कबूतर था, खाना खाने आया था बग गया फिर दोबारा। फिर उसके बाद फिर वही डेली बेसिस वही पांच कबूतर थे, पांच से छह बार तो हुआ ही नहीं अभी तक इतने कबूतर ले आए, तो पांच के पांच ही थे, तो पांच ही कबूतर रह गए। और फिर उनको रोज दाना खिलाता था, फिर और मेरे मन में नहीं रखता और कबूतर लाने का कोई टिकी नहीं था कोई सा भी, फिर उन्हीं को डेली खाना खिलाता था। तो फिर मेरे को सात आठ महीने हो गए थे कबूतर पालते, तो फिर हमें एक बार गांव जाना पड़ गया लॉकडाउन में, सब गांव जा रहे थे तो मैं अकेला तो रह नहीं सकता घर क्योंकि मैं उस टाइम छोटा था। तो फिर मैंने सोचा अपने दोस्त को दे दूँ कबूतर रखने के लिए जब तक हम गांव जाएंगे। तो मेरे मम्मी की फ्रेंड थी, फ्रेंड नहीं ऐसी कोई था, तो मेरी मम्मी ने ऐसी बोल दिया वो कि हमारे कबूतर ले लो। तो फिर वो शाम को आ गई आंटी कबूतर लेने, तो वो कह रही कितने में दोगे, मैंने बोला उनको बेचने नहीं है ना, मेरे को बेचने ना कुछ, वो कह रही बेचो मत मुझे दे दो 500 रुपये में पांच कबूतर, वो जब गाँव से आओगे वापस ले लेना। तो वापस लेना मैं सोच रहा कि हाँ क्या हुआ 500 रुपये के दे देता हूँ, जब गाँव से आऊँगा 500 रुपये दे के फिर ले लूँगा, रख भी लेंगे जब तक ये, और देखभाल भी कर लेंगे, पैसे देंगे तो अच्छे से देखभाल करेंगे, इसलिए 500 रुपये भी ले लिए मैंने। उनको पांच कबूतर दे दिए और वो कबूतर थे 1500 के पार थे वो पांच कबूतर, लेकिन मैंने सोचा कि 500 रुपये देख वापस ले लूँगा क्या जा रहा है। फिर ऐसे ही 500 रुपये ले गए, फिर मैंने उनको दे दिए, फिर मैं गाँव चला गया। जब मैं गाँव से आया सात आठ दिन बाद उनके घर गया दोबारा, तो वो तो ऐसे रिएक्ट करे जैसे मुझे जानते ही ना हो। फिर मैंने उनसे बोला कबूतर दे दो वापस आपने कहा था, वो तो कह रहे कब कहा था, मतलब वो पलट गए थे अपनी बात से, फिर वो अपनी बात से पलट गए थे, कह रहे हमने तो नहीं कहा कि वापस देने की ये वो तुम, तो फिर ये हुआ। फिर मेरे घर में आ गए थे लड़ाई करने कि मैं तो कहने लगी मेरे कबूतर वापस दो, फिर मान ही नहीं कबूतर वापस देने की, लड़ रहे थे फालतू में मम्मी
और मेरी मम्मी पापा कह रहे थे नहीं लेने वापस कबूतर। फिर मैंने बोला कबूतर वापस नहीं दे, कबूतर के पैसे तो दो और वापस, मतलब कबूतर के पैसे तो दो 500 के अलावा, ये तो मैंने बस पैसे ही दे दिए थे रखने के लिए। तो माने नहीं, कबूतर भी वापस नहीं दिए ना पैसे दिए। फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं, फिर बस कबूतर की स्टोरी यहीं तक थी एंड तक। तो बहुत ढूंढने के बाद मेरे कबूतर की कुछ एक क्लिप मिली है, वो शो कर दूंगा अभी। तो यही थी वीडियो एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड में फिर कबूतरों एंड में बहुत बुरा हुआ था वो मेरे कबूतरों के साथ। वो उनको अच्छे से रखते भी नहीं थे, ऐसे ही रखते थे छोटी सी पेटी में, खोलते भी नहीं थे ना कुछ करते थे। मेरे को तो लग रहा है कि उनने पक्का खाने के लिए ले होंगे, उन्होंने खा ही ले होंगे, क्योंकि जो उनके अंकल से थे ना कटी दिमाग कैसे थे। घर पे आके वो डंडा उठाने लग गए ऐसे, पता नहीं जित जुती ना वो ऐसे करने लग गई। फिर मैं उसके बाद गया भी नहीं, मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, सब देख रहे भगवान ऊपर। आगे आके उनने पता नहीं ऐसे मार दिया उनको कबूतर, फिर मैं गया भी नहीं दोबारा। ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको और वीडियो देखनी है तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के बेल आइकन दबा दे कि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को कर दे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना, एक बढ़िया सा एक कमेंट कर दो कि मेरे को आगे फ्यूचर में कबूतर पालने चाहिए या नहीं पालने चाहिए। और वो एंड में मेरे साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ ये बता देना। तब तक के लिए बाय बाय। फिर कुछ दिनों बाद फिर मैं अपने दोस्त के घर गया, युवराज के नाम दे लिया तो कट गया। फिर मेरे को और कबूतर बनाने थे, तो फिर कबूतरी ली। फिर मैंने कबूतरी ली।